नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका लकी ईयर कौन सा है, आपका भाग्यशाली वर्ष कौन सा है, आपको किस वर्ष में लाभ होगा, आपको किस वर्ष में उन्नति होगी, आपको किस वर्ष में प्रॉफिट होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाय कैसे आप बाय अपनी डेट ऑफ बर्थ, जी हां आपकी जन्म तारीख से आप जान सकते हैं कि कौन सा साल 2022, 2023, 2024 या आने वाला कौन सा साल आपके लिए भाग्यशाली होने वाला है। मात्र डेट ऑफ बर्थ से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जान सकते हैं बाय न्यूमरोलॉजी। तो वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है कि आपका भाग्यशाली साल मिस ना हो जाए, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों न्यूमरोलॉजी, जी हाँ न्यूमरोलॉजी जो होता है अंक शास्त्र होता है और लाइफ में 70-80% इसका प्रिडिक्शन सही साबित होता है। तो दोस्तों न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दो नंबर आपके मुख्य होते हैं, एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। सबसे पहले जान लेते हैं मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपकी जन्म तारीख का प्लस जो होता है वह होता है आपका मूलांक का प्लस। इन्हें कैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो होती है 13 अगस्त, जी हाँ 13 अगस्त 1998 है, 13 अगस्त 1998 है, ठीक है। तो 13 अगस्त को जन्म हुआ है मेरा, यानी कि 13 मेरी डेट हो गई बर्थ की डेट। तो 13 को यदि हम प्लस करते हैं, यानी कि 1+3 आता है 4, तो ये 4 क्या हो गया आपका मूलांक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1998, तो 18 डेट ऑफ बर्थ डेट है बर्थ की, तो 18 को यदि मैं प्लस करता हूँ 1+8=9, तो 9 क्या हो गया मेरा मूलांक हो गया। एक सिंगल डिजिट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरा बर्थ हुआ है 3 मार्च को, तो 3 क्या हो गई मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट को क्या, यानी कि जो 3 रहेगा वह मेरा मूलांक हो गया। यानी सिंगल डिजिट में जिसका बर्थ होता है वह उसका मूलांक बन जाता है, बट डबल डिजिट में होता है तो उसको प्लस करके एक सिंगल डिजिट कर लीजिए और फिर वो आपका हो गया मूलांक। एग्जांपल और है, 29 मार्च को जन्म हुआ है, ठीक है 29 मार्च, यानी कि 2 और 9, 2+9=2 होता है दोस्तों, और 2+9 कितना होता है 11 होता है, ठीक है 11 को फिर आप कर लीजिए 1+1=2, तो 29 मार्च को जिसका भी जन्म हुआ होगा इनका मूलांक क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब भाग्यांक की बात कर लेते हैं, तो भाग्यांक निकालना भी बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी सारी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना होगा, यानी कि मान लीजिए मेरी खुद की पर्सनल डेट ऑफ बर्थ में लेता हूँ 18th of October 1998, यानी कि 18 अक्टूबर 1998, तो 18 को यदि मैं प्लस कर लेता हूँ 1+8+1 मतलब वो 10 अक्टूबर का 10, ठीक है 1+8+1+0+1+9+9+8, ये सभी को मेरी मैं प्लस कर लेता हूँ दोस्तों, तो और डबल डिजिट नंबर आता है। अभी डबल डिजिट के नंबर को मैं एक बार और फिर से प्लस कर लेता हूँ, तो मेरा दोस्तों यहाँ पे लकी नंबर निकल के आता है 1, जी हाँ 1 मेरा हो गया लकी नंबर। आप भी अपनी सारी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके एक लकी नंबर निकाल लीजिए। अभी जो लकी नंबर है ये क्या हो गया आपका भाग्यांक होगा। एक मैं एग्जांपल और छोटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 12 मार्च 2003 को जन्म हुआ है, तो 12 मार्च यानी कि 12/3/2001 2001 को जन्म हुआ, ठीक है। अब 12 1+2+3 मार्च में हुआ मतलब 3, ठीक है 1+2+3=6 हो गया, 6+2 8+0+0+1 यानी कि 9, ये क्या हो गया 9 आपका, ये आपका भाग्यांक, ये लकी नंबर हो गया, ठीक है। मूलांक समझ गए, लकी नंबर समझ गए। अब चलिए जानते हैं कि आप कैसे जानोगे कि आने वाला साल आपका भाग्यांक है या नहीं है। दोस्तों अब सिंपली सी बात है, बहुत सिंपल बात है, जैसे आज के भी जो साल चल रहा है ये क्या 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 2022 को हम प्लस कर लेते हैं 2+0+2+2 सारे डिजिट को प्लस करके आता है 6, तो 6 आ गया ये आज का इस साल का भाग्य अंक। अब जो 6 भाग्यांक निकलता है, जिनका भी मूलांक जिनका भी भाग्यांक या तो 6 हो या तो 6 हो, यानी क्या 6 हो, मूलांक 6 हो या भाग्यांक 6 हो, दोनों में से यदि 6 आपका मैच हो गया तो मान लीजिए कि 2022 आपका लकी जाने वाला है। जैसे मान लीजिए 2024 की बात कर लेते हैं, 2+0+2+4=8, अब जिसका भी भाग्यांक जिसका भी मूलांक यदि 8 होगा तो उस व्यक्ति का सबसे भाग्यशाली ईयर यानी कि लकीस्ट ईयर भाग्यशाली वर्ष इनका 2024 होता है। तो आप भी इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं कि कौन से वर्ष आपको सफलता मिलेगी। आपको दोस्तों आपके लकी वर्ष में, जी हाँ भाग्यशाली वर्ष में आपको सफलता मिलती है, व्यापार में फायदा होता है, उन्नति होती है, प्रमोशन होता है और साथ ही आपके सपने भी इस साल पूरे
हो सकते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना अपना लकी नंबर निकाल सकते हैं। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।